महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में सतारा जिला प्रशासन ने 8 जून को पोर्च दुर्घटना में शामिल नाबालिग के परिवार द्वारा नियंत्रित एमपीजी क्लब को गिरा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण के कुछ हिस्से अवैध थे। जिला कलेक्टर के आदेश पर बुलडोजरों को स्थानीय पुलिस कर्मियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में अवैध ढांचे को गिराने के लिए तैनात किया गया था। इससे पहले राज्य आबकारी विभाग के अधिकारियों ने क्लब के भीतर बार को सील कर दिया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने पिछले सप्ताह क्लब को सील कर दिया, जिसे पारसी जिमखाना क्लब को लीज पर दी गई सरकारी जमीन पर बनाया गया है और इसे एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जिसके सदस्य पुणे में दो लोगों की जान लेने वाले पोर्च दुर्घटना में शामिल नाबालिग के माता पिता और दादा दादी हैं। आपको बता दें कि 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में शराब के नशे में 17 वर्षीय द्वारा चलाए जा रहे एक तेज रफ्तार पोर्च कार के दोपहिया वाहन से टकराने से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी। वर्तमान में नाबालिग के दादा को अपने पोते के अपराध की जिम्मेदारी लेने के लिए कार चालक को धमकी देने के आरोप में यरवदा सेंट्रल जेल में रखा गया है।